एग्जाम खत्म हो गया, फ्री हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, यही तो जिंदगी है। जब तक जिंदगी है तब तक एग्जाम है। आइए स्वागत करते हैं एक और एग्जाम का। ये भगवान क्या जुलूम है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लिटरी ओशन। आज का वीडियो जो है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। 12वीं के बाद जो भी बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, AU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, या फिर DU हो गया, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको इस बार CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इस समय फॉर्म ओपन है, जाकर के फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट जो है वो 26 मार्च को है। उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए आपको, अगर आप जर्नल हैं तो 1000 रुपी, EWS या OBC है तो 900 रुपये, और SC ST है तो 800 रुपये। और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, यानी 3 सब्जेक्ट के अलावा जो आपको सब्जेक्ट लेने होंगे, उसके लिए जर्नल के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये, EWS OBC के लिए 375 रुपये, और SC ST के लिए 350 रुपये आपको पे करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन जो है 27 फरवरी से शुरू हुआ था, 26 मार्च को इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट पेमेंट जो होगा वो 26 मार्च को ही होगा। एग्जाम डेट जो है 15 से 31 मई के बीच है, और रिजल्ट आपका 30 जून को आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा फाइनली। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है इसमें 3 सेक्शंस है। पहला लैंग्वेज है, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट है, तीसरा जर्नल टेस्ट है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज हैं उसमें। आपको चूज करना है कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट में आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमरल एबिलिटी है, रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। लैंग्वेज में टोटल क्वेश्चन जो है 50 हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है 45 मिनट्स में। 50 क्वेश्चन, 40 अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 50 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अगर टाइम की बात करें तो लैंग्वेज में आपके लिए 45 मिनट्स है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स है, और जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट्स आपको दिए गए हैं। डोमेन सब्जेक्ट जो है आपका वो पूरा NCERT बेस्ड है, यानी आपको क्लास 11, 12 पढ़ना है, 10th पढ़ना है, बस वहीं से आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम कैसे होगा। देखिए ये हाइब्रिड मोड में है, यानी आपका ये CBT भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपका ये पेपर पेन भी हो सकता है। लोकेशन पे बेस्ड है कि कैसे वो चूज करते हैं। अब बात करते हैं कितने टॉपिक्स आपको चूज करने हैं। आपको लैंग्वेज में से मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको चूज करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप चाहें तो 2 चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश 2। फिर इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट से मिनिमम आपको 3 चूज करने रहेंगे, जनरल टेस्ट में मिनिमम 1 आपको चूज करना है। टोटल आपको 6 टॉपिक्स चूज करने हैं, 6 टॉपिक्स पे आपका टेस्ट होगा। आप चाहें तो लैंग्वेज में 2 टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, 2 उसमें हो गए। फिर डोमेन सब्जेक्ट में आप 3 चूज कर लीजिए, 2, 3, 5 हो गया। फिर इसके बाद 1 जो है वो जनरल टेस्ट में चूज कर लीजिए, इस बेस पे आप चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी चूज कर सकते हैं, 1 आपने लैंग्वेज चूज कर लिया, 4 आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लिया, और 1 आपने जनरल टेस्ट चूज कर लिया। ऐसे भी आप चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। और एडिशनल सब्जेक्ट की जो फी है उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी फीस उसमें पड़नी है। जितने सब्जेक्ट 3 के बाद आप बढ़ाएंगे उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।